हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है सुधा रावत और मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करती हूँ एंड उत्तराखंड में मैरिड हूँ मैं। बट अभी नाउ हम लोग चंडीगढ़ में सेटल्ड है, तो मैंने एक छोटी सी प्लानिंग की है कि मैं एक यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हमेशा अच्छी चीज़ की शुरुआत खट्टे मीठे से होती है, मीठे से होती है स्पेशली, लेकिन चलो खट्टा मीठा हो तो ज़्यादा बेटर होता है। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर कैमरा क्यों फोकस किया गया है, बिकॉज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक हिमाचल और गढ़वाल की एक जो हम लोग खट्टा मीठा इसको बोलते हैं, मसाला हिमाचल में बोलते हैं और गलगल ये शायद उत्तराखंड में यही बोलते होंगे। तो इसको हम लोग एक्चुअली ये गलगल है और इसको हम खट्टा मीठा मसाला बना के खाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें ये सब चीज़ें ऐड होती है, शक्कर ऐड होती है, ज़ीरा ऐड होता है, नमक ऐड होता है, धनिया ऐड होता है और इसमें ये है हरी मिर्च है, ठीक है। एंड इसको हम लोग समटाइम इसमें हम मिर्च रेड भी डाल सकते हैं एंड इसमें थोड़ा सा हम हल्दी भी डाल सकते हैं, ये एडिशनल है अगर डालनी है, अदरवाइज कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि हल्दी डालनी डालनी है। बट इसको सब चीज़ों को मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और आप फ्रेंड्स, अब मेरे चैनल पे आप लोगों को मोस्टली या तो खाने से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी या सम टाइम मैं ब्लॉगिंग भी करूंगी स्टार्ट, थोड़ा सा सोच रही हूँ। और कभी हिमाचल का आपको दिखाऊंगी, कभी गढ़वाल का और मोस्टली चंडीगढ़ का तो खैर दिखाऊंगी क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। और अभी मैं ये आपको ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए इसको मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। गाइज, मैं ये एक्चुअली वैसे तो ये सिलबट्टे में पीसा जाता है, सिलबट्टा मतलब एक पत्थर का होता है, उसके ऊपर पत्थर का एक छोटा सा पत्थर होता है तो उसमें सिलबट्टे में ये पीसा जाता है, बहुत बेटर उसमें टेस्ट आता है। बट अगर आप शहरों में रहते हैं तो हम इसको मिक्सी में मिक्सर करेंगे फ्रेंड्स। एंड उसके बाद अब मैं आपको इसको मिक्सर करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारी चटनी हो गई है रेडी एंड इसमें हम अभी मैं आपको गलगल छील के सारा इसको कट वट करके देन आपको मैं प्रॉपर इसका मसाला बना के दिखाऊंगी। एंड गाइस, ये इस तरीके से इसको इसका जो ये बाहर का हिस्सा है इसको अलग किया जाता है। एंड उसके बाद हम आज सिर्फ ये दो का बना रहे हैं क्योंकि ये इनफ होता है एक्चुअली, फिर बहुत टेस्टी होता है ये। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके बताऊंगी गाइस। फ्रेंड्स, अब ये इस तरीके से मैंने काटा है इसको चाकू से एंड इसको हम इसका जो ये पीसेस है ये हम अलग अलग करेंगे। गाइस, मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है सीरियसली, लेकिन बहुत यम्मी होने वाला है, मैं आपको बस दो मिनट में दिखाती हूँ। गाइस, अब हम इसमें ये चटनी ऐड कर रहे हैं और साथ में ये शक्कर हम इसमें ऐड कर रहे हैं और ये एक्चुअली आप चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन देसी स्टाइल में तो ऐसे ही बनेगा और इतना यम्मी ये होता है। इसकी जो खाने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं गाइस। और इसको अगर हम वैसे तो धूप में खाना चाहिए, हम लोग जब गाँव में होते थे तो हम इसको धूप में बैठ के खाते थे और बड़ा इसका आनंद, बड़ा अच्छा आनंद हम लेते थे। लेकिन शहरों में तो गाइस अभी धूप सम टाइम नहीं भी होती है सर्दियों में, तो अगर छत पे हो किसी के छत पे बैठ के आप लोग खा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका टेस्ट बताऊंगी। तो गाइस, ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको आप देखो कितनी सुंदर इसकी ब्यूटीफुल सी जो है शक्ल बनी हुई है, तो बहुत यम्मी होता है। और ये एक्चुअली अभी आपको मैं टेस्ट करके बताऊंगी गाइस। वाह, क्या टेस्ट है सीरियसली। आप इसको बनाना, खाना और मुझे कमेंट करना कि ये कैसा लगा आप सबको। और इसके बाद एक्चुअली हमें पानी नहीं पीना होता है इमीडिएटली, एक्चुअली आपने इसके एक घंटे बाद पानी पीना है। तो बहुत टेस्टी है। अगर आपको ये अच्छा लगे, टेस्टी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखा सकूं। मैं आपको बहुत सुंदर सी वीडियोस इसमें डालूंगी, सम टाइम मैं पहाड़ों के व्यूज़ आपको दिखाऊंगी और हिमाचल गढ़वाल दोनों एंड चंडीगढ़ तो डेफिनेटली। थैंक यू।